कि भाई ये बटन दबाओ रोशनी हो जाएगी। अगर मैं तुम्हें बताने लगूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कैसी आए और क्या बिजली आई, आपके सर दर्द हो जाएगा, खासकर आप अगर भक्ति मार गए। पर आप अगर सर तोड़ने के लिए तैयार हो तो वो भी मैं कर सकती हूँ। आपको अगर अपनी बुद्धि की चर्चा करनी है तो वो भी हो जाए, वो भी मैं सब जानती हूँ, लेकिन उससे आप परमात्मा नहीं पाएंगे। मुझे पूछना यह है कि आपने बहुत पढ़ लिया और बहुत वाद विवाद कर लिया, अब पाना है या नहीं पाना है? हो गया बहुत, आपकी अकल चल पड़ी, जहां तक चली समझ गए, अब अपना स्वार्थ सोचो, माने स्व का अर्थ सोचो, इसके पीछे जाना है या नहीं, पहले इसको तय कर ले। सारे जो बड़े बड़े विद्वान और पंडित है, नहीं तो उनके भी उतार सकते हैं हम पीपर पर के, लेकिन इन लोगों के लिए मुझे टाइम नहीं है। जिनको चाहिए वो नम्रता पूर्वक और व्रत के साथ अपनी शक्ति को प्राप्त करें, और इसका जो कुछ गोपनीय से गोपनीय आज तक रहा, सब बात तो बताई नहीं गई थी ना, वो पूरा की पूरा आपको बताया जाएगा। पर पहले पार हो जाइए। पार होने से पहले बताना तो वही हुआ कि आपके आंख नहीं और आपको मैं बता रहे लाल रंग कौन सा और हरा रंग कौन सा है। पहले आंख आप ले लीजिए, आप देखने लगिए, तब मैं आपको सब बता दूंगी कि ये कौन सा रंग है और ये कौन सा रंग है। श्रद्धा पूर्वक इसे पाए, श्रद्धा का अंधश्रद्धा से मतलब नहीं है, पर आप उसे बहुत बड़ी चीज मांगने आए, और अगर आप मेरे विरोध में ही बैठे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि देवता भी तो सोचते हैं इस बात को, उनको सब कुछ आपके बारे में मालूम है, वो आप पार नहीं हो सकते। अब भाषण देने वक्त भी मैं बड़ा चक्कर चलाती हूँ, याद रखिए, क्योंकि महामाया हूं ना, ऐसे ऐसे कुछ बातें कह देती हूँ कि जिसको अटकना अटक जाते, इसलिए आप लोग मेरे चक्कर में मत आना, पार हो लीजिए। ये सब चक्करबाजियां, क्योंकि जिन्होंने बहुत पढ़ा लिखा है, बड़े अहंकारी है, उनको मैं अटका देती हूँ थोड़ी देर के लिए, लटक जाते, फिर जब उनका अहंकार थोड़ा सा कम हो जाता है फिर ठिकाने आते हैं। इसलिए आप कृपया अपने अहंकार से कहना कि जनाब बहुत हो गया आपका, अब आप जरा ठंडे रहिए, हमें पाने दीजिए, और पाना ही अपना परम है, वही कर्तव्य है, वही ध्येय है, वही ध्यायने का है, वही सब कुछ है, वही लक्ष्य है। जब तक आप पाइएगा नहीं, आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं। आज आखिरी दिन है तो आपको कोई सवाल पूछना तो पूछे, पर मैं बहुत चालाक हूं और बहुत होशियार हूं, इसलिए संभल के। पूछ लीजिए, एक पांच मिनट और। हाँ पूछे पूछे बेटा, खड़े हो खड़े, क्या है, क्या भेंट ले आए तुम, तो क्या ले आए भेंट? बेटा मैं पान तो खाती नहीं। अच्छा इलायची ले लेते हैं, इन लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया। एक आई थी हमें मालूम इंटरव्यू करने, तो उसने कहा कि माँ बहुत पान खा रही थी, तो हमने कहा भाई इस जन्म में तो नहीं खाते, हाँ खाते थे लेकिन तुमने पता नहीं मेरा कौन सा जन्म देखा। उन्होंने लिखा कि माँ पान बहुत खा रहे थे, हम तो कभी पान छूते नहीं, इस जन्म में नहीं छुआ, हाँ पिछले जन्म में, उससे पिछले में खाते थे। तो मैंने कहा भाई तुमने कौन सा जन्म देखा जो छाप दिया तुमने कि माँ पान खा रही थी, तो खाते तो है नहीं हम पान बिल्कुल भी। ये चक्करबाजी है, इससे संभल के रहना। बेटा क्या सवाल पूछ, क्या बेटा? ना 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 ना, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ शराब नहीं पी सकते आप बाद में, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर मैं अभी कहूंगी तो आधे लोग भाग जाएंगे। कुछ नहीं, आप लोग पहले पारो लो, फिर सब बात कहूंगी। घर मैं तुमसे अभी कहूँ कि शराब नहीं पीने का तो आधे लोग भाग जाएंगे, सिगरेट नहीं पीने का तो शायद पूरे लोग भाग जाए, औरतों से कहे कि उपास नहीं करने का तो सबकी सब उठ के चली जाएंगी। इसलिए मैं नहीं कुछ कहने वाली, मैं बहुत समझ गई हूं, लेकिन वेजिटेरियन वगैरह का झगड़ा नहीं है सहज लोग, मतलब यह है कि खाने का चक्कर कम करना। अपने देश में तो सुबह से शाम तक सिवाय खाना पीना और कुछ नहीं। हम लोग सोचते हैं कि खाने पीने से भगवान मिलते हैं। हम लोगों को जितने खाने पीने की समझ है सारे संसार को नहीं, आपको आश्चर्य होगा। हम जापान गए,
अब जापान के लोग तो बीस्ट हैं वैसे बेचारे। तो वहां बड़ा आश्चर्य हुआ, एक लड़का एक झरने के किनारे बैठा और टुक टुक करके खा रहा था। मैंने कहा ये क्या खा रहा है? नहीं, कह ले वो वहां पे छोटी छोटी वो मिलती है मछलियां, उनको पकड़ लेता है, तोड़ के खा जाता। अरे मैंने कहा क्या कच्ची यहाँ कर ले, छोटी में खाने में क्या, हम लोग तो सभी खाते हैं। मैंने कहा इन लोगों को बेचारों का पानी से निकाला, वो ही गया और खा गए, कोई प्रश्न ही नहीं। और हमारे यहाँ नखरे की तो कोई कमी नहीं, खाना ही पहली चीज। पहले ये कि आज क्या खाना बनेगा, हिंदुस्तानी का दिमाग समझ लेना चाहिए। फिर वो औरतों ने चक्कर चलाया कि भाई आज आपके लिए मैं ये बना रही हूं। अब पंजाबी होगी तो कहेगी आज सरसों का साग। कोई ना कोई, औरतें बड़ी होशियार हैं यहाँ की, वो आदमियों को इसी चक्कर में रखती हैं। इन लोग को खाना नहीं बनाना आता, इसलिए औरतों को छोड़ भी नहीं सकते चाहे वो मार पीट दे। अब उन्होंने चक्कर चलाया कि भाई मैं ये खाना बना रही। अच्छा यूपी वाले होंगे तो मेथी आलू बनेंगे, बड़े छोटे छोटे आलू मिल गए, मैं ले आई हूँ आपको खिला दूँ। हो गया, वो जो दफ्तर में 6 बजे निकला था 5 बजे घर पे आ जाए। सारा दिन हम लोग का इसी में चलता है कि आज क्या खाया और कल क्या खाया और उसका क्या होने का है उस खाने का, सारा दिन ही। अब उपास है, सारे घर में आफत मची, क्या दादी माँ उपास कर रही, मार तूफान मचा उस दिन, हनुमान जी चढ़ जाते उनके, उनके पास कोई जा नहीं सकता, किसी को फेंक मारेंगी कुछ करेंगी, आज वो उपास कर रही। फिर क्या उपास करे माने क्या, एकदम वो देवता हो गए। उपास करने की बीमारी तो ऐसी अपने देश में पड़ गई है, लेकिन उपास फुपास कुछ नहीं होता, सारा समय विचार यही कि मैं क्या खाऊंगा, उपास में पूरा विचार बना रहेगा कि मैं क्या खाऊंगा और कोई विचार नहीं रहता है। उपास तो नाम का होता है, बहाना ये कि आज कुछ अच्छी चीज मिल रही कि नहीं, सिंगाड़े का आटा मिल रहा है कि नहीं, कल उपास है देखो पता करो। अब सबको आफत मची हुई कि सिंगाड़े का आटा मिलना चाहिए। अरे भाई ये इसलिए बनाया था कि एक तरह का खाना खाने से संतुलन नहीं आता है, इसलिए संतुलित खाना होना चाहिए। अब रे वेजिटेरियनिज्म की, वो भी हद कर दी, माने अपने देश में इस भारतवर्ष में ज्यादा फल और वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, तो हम लोग सब्जी और फल ज्यादा खाएं। और गर्म देश है, बाकी चीजों से गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा ये खाएं, ये बात कहेंगे। लेकिन वेजिटेरियन लोगों में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो लहसुन भी नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते। अब उनको लहसुन अगर आप दिखा दीजिए तो भाग खड़े हो जाएंगे, अगर आपको डराना हो किसी को तो आप लहसुन दिखा दीजिए, लहसुन से डरते हैं। अब एक जर्मन डॉक्टर ने बताया है कि लहसुन और प्याज अगर नहीं खाओ तो हार्ट अटैक आता, हार्ट में हार्ट की ये जो आर्टरीज है ये हार्डन हो जाती, जस्ट लाइक अल्कोहलिज्म, मतलब अगर अल्कोहल खा लीजिए यानी शराब पी लीजिए तो जैसा आर्टरी का हाल होता है वही लहसुन प्याज नहीं खाने वालों का होता है। अब अपने यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल पक्के वेजिटेरियन है, अभी हमारे यहाँ आती है ना कुछ कुछ, तो उनका वर्णन सुन लीजिए आप। मेरा ये हाल है कि मजाल नहीं कोई मुझे दूध दे दे और उसमें छाली हो। मैंने कहा अच्छा मजाल नहीं, क्या कर लीजिएगा आप साहब, मैं पीऊंगी नहीं। आप है कौन, मजाल नहीं कि कोई मुझे लहसुन छुआ दे, बस सारी वीरश्री जो है खाने पीने पर, और गल कला करके कोई खड़ा हो गया तो थर 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 कांपना शुरू हो जाएगा। जहां जो चीज होती है माफिक होती है, इसको जो माफिक होती है वो खाना पीना चाहिए, लेकिन खाना पीना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं। आप अगर हमसे पूछे सवेरे क्या खा तो पता नहीं, शाम को क्या खा तो पता नहीं, किसी का खाओ तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, चार चार दिन भी नहीं खाया तो पता ही नहीं, लेकिन कोई भगवान के लिए नहीं है, आदत से लाचार, कुछ पता ही नहीं हमको रहता किसने क्या खाने को दिया नहीं दिया, क्या है खाना पीना, खाना पीना सुबह से शाम करके करते क्या है, पेट की बीमारी, इसकी बीमारी, उसकी बीमारी। जिसको जो संतुलन है वो करना चाहिए, जिसके लिए जो योग्य है वो खाना चाहिए। अब मैंने अगर कहा कि ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो लगे फिर गोश्त वाले का लगे फिर सब गोश्त खाओ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। माने अगर जरूरत हो तो ये भी खाना चाहिए, जरूरत हो तो वो भी खाना चाहिए, इसके मामले में सूझबूझ चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपने देश के कुछ थोड़े लोग छोड़ करके बाकी सब क्या नर्क में जाने वाले, नर्क में इतनी जगह भी नहीं है।
मैं तो स्वर्ग में जाने की बात कर रही हूँ। ऐसे भी देश संसार में है जहाँ एक पत्ती भी नहीं उगती, क्या भगवान किसी के साथ ऐसी जाति करेंगे? इतने ठंडे देश हैं। ग्रीनलैंड की एक लेडी मुझे मिली थी, उसने कहा कि हम वेजिटेरियन कैसे होंगे, हमने तो कभी जन्म में एक पत्ती नहीं देखी हमारे देश में। ठीक है, परमात्मा ने जैसा उनको बनाया है उनको वहां खाना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं खाएंगे तो उनके अंदर गर्मी नहीं रहेगी, वो जी नहीं सके। लेकिन शराब पीने की किसी को जरूरत नहीं, शराब चेतना के विरोध में पड़ती है। हमारे यहां भी आप जानते हैं बहुत से लोग हैं, अब जैसे जैनी लोग हैं वो श्री कृष्ण से नाराज है, कहने लगे कि वो संहार करते थे, जो संहार करता है वो हिंसा करता है। तो मैंने कहा क्या वो जितने भी दैत्य और राक्षस थे उनके खोपड़ी पे बिठाएंगे, क्या उनका संहार नहीं करना होगा? ये लोग तो मच्छरों को भी बचाते रहते हैं, मच्छर और खटमल और मुर्गियां, क्या उनको मैं रियलाइजेशन देने वाली हूं, उनको आत्म साक्षात्कार देने वाली हूं? एक सोचिए बात, बेकार की चीज में इस तरह से पड़े रहते हैं। हमारे यहां के जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, इनको कि आप कहिए मारवाड़ी लोग, उनके विरोध में मैं नहीं हूं, लेकिन उनमें दया माया मैंने देखी नहीं, बिल्कुल नहीं दया होती उनमें, बिल्कुल दया नहीं होती, दया का बिल्कुल अंश भी नहीं रहता। बहुत लोगों को जिनके पास इतना पैसा हो जाता है वो ये तो जरूर है कि वो बिल्कुल खाते नहीं, लेकिन इंसान को खाते हैं, कुर्की लाएंगे, गरीबों को मारेंगे, ये करेंगे, बिल्कुल दया नहीं उनके, और फिर दान धर्म करेंगे, अनाथालय खोलेंगे नहीं तो मंदिर खोलेंगे, दया उनके अंदर नहीं होती। तो ये भी एक दिमागी जमा खर्चा है। हमारे यहां वेदों में भी लिखा हुआ है और उसीलिए उसका ही रूप करने के लिए ही उन्होंने उड़द की दाल को कहा कि आपसे नहीं गर्व होता खाना, वेद को अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गोश्त खाना कहीं निषिद्ध कहीं है नहीं, पता नहीं कहां से लोगों ने समझा। लेकिन बाद में यह जरूर कहा गया कि आप उड़द की दाल खाइए क्योंकि उड़द में प्रोटीन होता है, प्रोटीन तो जाना ही चाहिए हमारे शरीर में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप दूसरी ही चीज खाते रहिए। खाना महत्वपूर्ण चीज नहीं है, समझना यह है कि किसी के खाने पीने से आप आदमी कोई खराब अच्छा नहीं होता है खास, लेकिन जो आदमी चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, उसको अगर खाने में चित्त है और हर बार उसकी जीभ उसके स्वाद ही के पीछे में लगी है, उसमें अस्वाद नहीं है, तो वो ठीक नहीं। अपना जो चित्त है उसको बचा लेना चाहिए। जैसे कि मैं कहानी एक बताती हूं और आपसे फिर से बताऊंगी, राजा जनक की, कि राजा जनक से नारद ने पूछा कि तुम्हें विदेही क्यों कहते हैं, तुम तो राजा हो और सब खाते पीते हो, मतलब तो शराब तो पीते नहीं थे वो, लेकिन उनके यहाँ नृत्य वगैरह सब होता था और प्रोसेशन में भी जाते हो, सब कुछ करते हो और जैसे राजा रहते हैं वैसे अलंकार आदि सब पहनते हो, तो तुम्हें विदेही लोग क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं शाम को तुमको बताऊंगा, दिन में तो तुम मेरे साथ रहना। ले एक कटोरा उनको पकड़वा दिया और उसमें दूध भर दिया, कह ले इस दूध में से एक बूंद भी नहीं छलकना चाहिए, उसको आप देखते रहिए। उसके बाद पूरे दिन भर वो उनके साथ घूमते रहे परेशान, वो कटोरा ले लेके। जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा बताइए साहब, तो शाम बीत गई, मैं तो तंग आ गया, मुझे बताया। तब उन्होंने पूछा कि ये बताइए नारद जी कि आपने क्या देखा दिन में? कहले मैं क्या देखता खाक, मैं तो यही देखता रहा कि एक बूंद न गिर जाए दूध की, मैं तो कुछ नहीं देखता हूं। वही बात है, चित्त जब अंदर हो जाता है तो मनुष्य किसी चीज को नहीं देखता, चित्त निर्लेप हो जाता है। जब आप जागरूक हो जाते हैं चित्त निर्लेप, किसी चीज से चिपकता नहीं कि यही होना चाहिए या यही करना चाहिए, इसका कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन मनुष्य धार्मिक हो जाता है, माने धर्म उसके अंदर जागृत हो जाता है, माने उसको दिमाग में विचार ही नहीं आता है कि कोई चोरी करे, विचार ही नहीं आता, करे कैसे चोरी, जिसे कहते हैं कि प्रलोभन टेम्पटेशन, वो टेम्पटेशन ही नहीं आता है तो कैसे किया जाए ये बताइए, जब टेम्पटेशन ही नहीं किसी आदमी को तो कैसे करेगा? ऐसा हाल होता आता है, पता नहीं चलता कैसे करें, कोई कहे चोरी करो तो भाई करे कैसे, जब उसका प्रलोभन ही नहीं जमता है तो कोई आदमी चोरी नहीं कर सकता। इसी तरह से धर्म जागृत हो जाता है। तो खाने पीने के चक्कर से आप बचिए, जो खाना खाइए, आप जो खा रहे हैं वही ठीक है, पर ज्यादा मत खाइए, जरूरत से ज्यादा, और कम भी नहीं खाइए, जरूरत से कम भी नहीं खाइए। अगर आपको उपास करना है तो कभी उपास भी कर ले, लंघन भी कर ले, पर भगवान के नाम पे मत करिए। सहयोग में जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो इतना सच्चा है
कि अगर आप इससे अतिक्रमण करते हैं तो आपके वाइब्रेशंस चले जाएंगे। हमने कोई भी बात आपसे झूठ नहीं कही, कोई भी बात गलत नहीं करी, इसलिए आप अगर समझे कि ये बात उचित है और इस तरह से करना चाहिए तो आप उसको करके देखिए और छोड़ के भी देखिए। जैसे हमने किसी से कहा नहीं कि आप शराब मत पीजिए, अभी तक तो कहा नहीं है, लेकिन इसके बाद लोग पीते ही नहीं, मजा आने लगता है, अपना भूल ही जाते शराब पीना। एक साहब ऐसे डॉक्टर साहब थे लंदन में, उनकी ऐसी शराब छूट गई, तो उसके बाद वो गए जर्मनी। उन्होंने सोचा कि चलो भाई यहाँ की एक मुझे बहुत पसंद है वो पी ले, कोई हर नहीं माने तो कुछ मना नहीं किया था, छूट तो गया अपने आप। देखें जो वो पीने गए तो उनको ऐसी बदबू आई उसके अंदर से, कहने लगे कि जैसे कॉर्क होता ना बुछ होता वैसी बदबू आने लगी। थोड़ी सी किसी मुश्किल से कोशिश करके पिया भी दवा की तरह से, तो सब भड़क से उलट आया और हालत खराब गई, सारी रात सो नहीं पाए, पेट में दर्द होने का, क्या गंदी बला, कहले मेरे मुंह से ऐसी बात आ रही थी जैसे मोलासेस की गंदी बात आती ना उस तरह की। उस दिन से ये दिन हुआ उनका मेरे से नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश में हमारे हजारों शिष्य है, इनके सारे ड्रग्स शराब सब एकदम छूट गए। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम छोड़ो, वो अपने आप ही छूट जाते। जब तुमको अमृत मिल जाएगा तब तुम ये गंदी चीजें क्यों लोगे भाई। मेरा तो हिसाब ये है कि पहले आओ तुम अमृत ले लो, आओ तुम्हारी आंखें खोल देते हैं, फिर तुम ही कहोगे कि ये सांप है, फिर क्या आप सांप के मुंह में उंगली डालिएगा। तो खाने पीने से ये सब बातें बेकार है और इस तरफ ध्यान न दे, अपने आप ही आप इसका संतुलन जान लेंगे। जैसे कि डॉक्टरों का है कि आप चीनी मत खाइए, चाहे कोई भी आदमी हो चीनी मत खाओ, गलत बात है। कुछ कुछ लोगों तो चीनी खाना बहुत जरूरी होता, जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उनको चीनी खाना जरूरी है क्योंकि उनका लिवर खराब जाता है और लिवर चीनी से ही चलता है, और कुछ कुछ लोगों को बिल्कुल चीनी खाना ठीक नहीं। जब ये कैसा इसका संतुलन है, इसका बड़ा शास्त्र है, वो सब सीख लेना चाहिए। उसी तरह मंत्र का भी शास्त्र है, उसे भी सीख लेना चाहिए। ये सब चीजों का शास्त्र बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, उसके लिए एक पैसा देने की जरूरत नहीं, और सबका मार्गदर्शन जो है वो आपके चैतन्य लहरियों से होगा, आप उसी से समझ सकते हैं। लेकिन सबसे आखिरी बात मैं बता दूं कि एक सामूहिक चेतना, अकेले अकेले घर में करने से ये छूट जाएगी। अगर आप अपने घर में मेरा फोटो ले जाएं और करें और फिर अगले साल मैं आऊंगी तो आप जानिएगा कि आपके वाइब्रेशन छूट गए। हमारे यहाँ कुछ तो सेंटर्स बने हैं, कुछ नहीं बने हुए। जो हमारा मुख्य सेंटर यहाँ बना हुआ है उसके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है, उसका पता लिखा हुआ है, आप पता कर लीजिए और मिश्रा जी बाहर बैठे उनसे पूछ लीजिए क्या करने का है और इस पे ध्यान लगाएं। सहयोग जो है एक नया आयाम है, उसमें जब आप आ जाते हैं उसको सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और अपना जीवन भी सुचारू बनाइए, और सारे मानव जाति का उद्धार इसी से होने वाला है। आपकी राजकीय सामाजिक सब बातें इसी से ठीक होने वाली हैं, क्योंकि जब तक इंसान में परिवर्तन नहीं आता कोई काम ठीक नहीं होने वाला, उसको समर्थ बनाना पड़ेगा सारे संसार में। इतना ही नहीं, आज आप देखते किस तरह से गले मिला करके ये प्रदेश के ये नौ देश के लोग आए हैं, अपने हिंदुस्तानियों से किस तरह से हंस रहे थे, खेल रहे थे, सारा देश मानो एक हो गया था। ये ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रुप यहाँ आया और अजीब से कपड़े पहन के रस्ते में डांस करता जा रहा था, ये बात आदान प्रदान प्रेम समझ एक ही भाषा वो बोलते हैं वाइब्रेशंस। आप तो साहब घड़ी देख रहे हैं, घड़ी मत देखिए आज के दिन, आप क्या सिनेमा में भी घड़ी देखते हैं, घड़ी मत देखिए, नहीं तो पार नहीं होने वाले आप, अगर आपने घड़ी देखी तो पार नहीं।